तो जब भी आप प्रोजेक्टर को ऑनलाइन खरीदने जाओ ना, एक बार उसे हाई टू लो में शॉर्ट करना, तब आपको मिल जाएगा सारे अल्ट्रा शॉर्ट थ्रो प्रोजेक्टर्स। और ये अल्ट्रा शॉर्ट थ्रो प्रोजेक्टर अपने औकात से बहुत बाहर है, लेकिन ये अपने औकात में है। और ये है टेक कैनवस का पहला अल्ट्रा शॉर्ट थ्रो प्रोजेक्टर, पहला पोर्टेबल प्रोजेक्टर एंड पहला एक्टिव 3D प्रोजेक्टर। और ये कमाल चीज को बोलते हैं S6A अल्ट्रा शॉर्ट थ्रो प्रोजेक्टर। फिर भाई इतना दिन हम क्या कर रहा था पता नहीं। प्रोजेक्टर पोर्टेबल होना कमाल की बात है, उसमें एक्टिव 3D होना मजेदार बात है, लेकिन उसमें अल्ट्रा शॉर्ट थ्रो प्रोजेक्टर होना, वो भी इतना सस्ता में, भाई बवंडर है भाई बवंडर। ये प्रोजेक्टर जस्ट 2 फुट की दूरी से ही 83 इंच का बड़े स्क्रीन बना सकते हैं। और अगर आपको 120 इंच का बड़ा स्क्रीन चाहिए, इसे बस 3 फिट की दूरी पे रख दीजिए। तो S6A का सबसे बड़ा एडवांटेज है इसका थ्रो डिस्टेंस। आपका कितना भी छोटा हो, लेकिन आपको बड़ा से बड़ा स्क्रीन मिलेगा। और वहीं पे अगर आप छोटा रूम के लिए एक लॉन्ग थ्रो प्रोजेक्टर ले लिए हैं, तो आपको छोटा सा इमेज मिलेगा, और प्लस उसे कहीं दूर सीलिंग में फिक्स करना पड़ेगा बड़ा इमेज पाने के लिए। नेक्स्ट बात करते हैं पिक्चर क्वालिटी की। ये प्रोजेक्टर आता है फुल HD नेटिव रेजोल्यूशन के साथ में, और इसका कॉन्ट्रास्ट रेशियो है 2000:1 और ब्राइटनेस है 3000 लूमेन। मेरे हिसाब से ये प्रोजेक्टर का ब्राइटनेस मुझे थोड़ा कम लगा, और कंपनी ने कलर सैचुरेशन में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया है, हर कलर बहुत प्यार से खिल रहा है, और साथ ही में स्किन टोन भी बहुत अच्छा नजर आ रहा है। ये प्रोजेक्टर में मुझे कोई कॉर्नर ब्लाइंडनेस नजर नहीं आया, साथ में जो टेक्स्ट है वो सारे शार्प एंड क्रिस्पी है। तो अभी तो हमें ये प्रोजेक्टर का पिक्चर क्वालिटी एकदम मस्त लगा है, लेकिन बात तब बनेगी जब ये लाइट को हैंडल करेंगे, और इसे हम डिफरेंट लाइटिंग कंडीशन में टेस्ट करने वाले हैं कि ये कैसा परफॉर्मेंस देता है। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि ये प्रोजेक्टर में DLP डिस्प्ले टेक्नोलॉजी का यूज किया है, और इसीलिए ये प्रोजेक्टर का कॉन्ट्रास्ट रेशियो और कलर सैचुरेशन आपको बहुत प्यारा नजर आया। मार्केट में जितने सारे DLP प्रोजेक्टर्स है, उसमें लगा होता है मेटल हैलाइड लैम्प, और इसमें लगाया गया है LED लैम्प। और LED लैम्प का फायदा ये है कि ये कम पावर कंज्यूम करता है, और इसका लैम्प लाइफ भी बहुत ज्यादा है, मोर देन 20,000 आवर्स, जबकि मेटल हैलाइड का लैम्प लाइफ आपको मैक्सिमम 15,000 आवर्स ही मिलेगा। और S6A का दूसरा खासियत है कि ये पोर्टेबल प्रोजेक्टर है, और ये पोर्टेबिलिटी का मजा हम कैसे ले सकते हैं ये देखेंगे, लेकिन उससे पहले इसे हम डिफरेंट लाइटिंग कंडीशन में टेस्ट करते हैं कि इसमें कितना दम है। अगर आप S6A को यूज करके दिन में कंटेंट एंजॉय करना चाहते हैं, और आपकी खिड़की खुला हुआ है, रूम के अंदर में सारे रोशनी आ रहा है, तो आपका पिक्चर क्वालिटी थोड़ा फेड अप हो जाएगा। लेकिन अगर दिन के वक्त आप अपने रूम के सारे पर्दे बंद कर दे, तो आपको बहुत ही बेहतर पिक्चर क्वालिटी मिलने वाला है। और रात को अगर आप रूम के सारे लाइट ऑन कर दे, तभी आपको बहुत ही बेहतरीन पिक्चर क्वालिटी मिल जाएगा। और अगर आप कोई बड़े लाइट को डायरेक्ट स्क्रीन में फोकस कर दिया है, जैसे मैंने रिंग लाइट को फोकस किया है, तो आपको पिक्चर क्वालिटी बिल्कुल नजर आएगा ही नहीं। और सबसे बेस्ट पिक्चर क्वालिटी के लिए आप अपने रूम के सारे लाइट को बंद कर दीजिए। पोर्टेबल प्रोजेक्टर का खासियत यह है कि आप जहां मर्जी वहां ये प्रोजेक्टर को लेके जा सकते हो, तो जिसके लिए इसका वजन कम होना चाहिए, और इसका वजन है 1.1 kg। और पोर्टेबिलिटी का दूसरा नीड है इनबिल्ट बैटरी, इसमें भी इनबिल्ट बैटरी है। आपको क्या लगता है बैटरी पे कितना देर तक आपको कंटेंट दिखा सकता है? आधा घंटा, 1 घंटा? मेरा भी यही ख्याल था, ज्यादा से ज्यादा आधा घंटा दिखाएगा, उसके बाद टाइम हो जाएगा, बोलेगा चार्ज करो मेरे को। लेकिन दिस इज ए मिस्ट्री बॉक्स, इसके अंदर आता है 15,600 mAh का बैटरी, और ये लगभग 4.5 घंटा तक बैटरी बैकअप दे सकता है। मैंने खुद टेस्ट किया तभी मैं बोल रहा हूँ, लेकिन आप सोच रहे होंगे कि ये साला फेंक रहा है। ये स्क्रीन में कंटेंट देखना है, रख दो, ऑन कर दो, ये रहा। ये स्क्रीन में देखना है, यहाँ रख दीजिए। बेड में सोते हुए कंटेंट देखना है, कोई बात नहीं। लेकिन मैं इसे यूज करता हूँ एज ए सेकंड मॉनिटर, एडिटिंग के वक्त में बड़ा काम आसान हो जाता है। तो अब तक ये प्रोजेक्टर का मैं जो भी खासियत बताया, आपको लग नहीं रहा है कि ये कमाल का प्रोजेक्टर है, बाकी उसे एकदम अलग है, और आपको लगता नहीं कि नीचे जो रेड बटन है उसे ही प्रेस कर देना चाहिए ताकि मैं कमाल बन जाऊं? और थर्ड फीचर जो इसे और भी स्पेशल बनाता है, दैट इज स्मार्टनेस। और हाँ, पोर्टेबिलिटी से याद आया, इसे अनबॉक्स भी तो करना है। ये प्रोजेक्टर आता है एक प्रीमियम बॉक्स के साथ में, जिसके अंदर में आपको मिल जाएगा खूबसूरत सा एक कैरी बैग, जिसके अंदर मिल जाएगा आपको चार्जिंग अडेप्टर, HDMI केबल, हैंगिंग स्ट्रिप और एक रिमोट। और ये झोला देख रहे हो, एकदम मस्त क्वालिटी का है, फकीर आदमी हूँ, झोला लेके चल देंगे। और इसका थर्ड खासियत है कि ये एक स्मार्ट प्रोजेक्टर है। ये प्रोजेक्टर आता है एंड्रॉइड वर्जन 6 के साथ में, जिसमें 2 GB का रैम दिया गया है और 16 GB का स्टोरेज दिया गया है, और साथ में आपको कई सारे OTT प्लेटफॉर्म मिल जाएंगे, साथ में गूगल प्ले स्टोर भी दिया गया है, अपना मनपसंद कंटेंट को आप डाउनलोड करके एंजॉय कर सकते हैं। तो S6A के अंदर आपको इनबिल्ट बैटरी मिल जाएगा, एंड्रॉइड मिल जाएगा, प्लस शॉर्ट थ्रो प्रोजेक्टर भी है, और ये तीनों फीचर्स के लिए ये प्रोजेक्टर एक परफेक्ट पोर्टेबल प्रोजेक्टर बन जाता है। कोई वायर का जरूरत नहीं है, जहां मर्जी वहां रखिए और इसे ऑन कर दीजिए, आपका पिक्चर रेडी। अगर आपके पास वाईफाई है तो आप कनेक्ट करके कंटेंट एंजॉय कर सकते हैं, और अगर आप कोई ऐसे जगह में चले गए जहां पे वाईफाई नहीं है, तो इसके अंदर में जो इनबिल्ट 16 GB है वो किस काम के, कंटेंट उसमें रखिए और लेके चल जाइए। और ये प्रोजेक्टर का कमाल यहां पे खत्म नहीं होता है, इसका बाद का जो फीचर है वो तो आपका फेवरेट फीचर है, बताएंगे, लेकिन उसका पहले जान लेते हैं कि कनेक्टिविटी में क्या दिया ये। और कनेक्टिविटी में आपको मिल जाएगा
ईथरनेट पोर्ट, HDMI, दो USB एंड 3.5mm ऑडियो जैक। साथ में ये प्रोजेक्टर आता है डुअल वाईफाई फीचर के साथ में, जिसमें 2.4GHz एंड 5GHz के वाईफाई दिया गया है। साथ ही साथ इसमें आता है ब्लूटूथ वर्जन 5, जिससे आप अपने फेवरेट स्पीकर को कनेक्ट कर सकते हैं। तो अभी तक जो मैं इसका तारीफ पे तारीफ कर रहा था, जरूरी नहीं है कि हर चीज में ये सही हो, इसमें भी बुराई है, बताएंगे। लेकिन उससे पहले जान लेते हैं कि आपका फेवरेट फीचर कौन सा है इस प्रोजेक्टर के अंदर में, दैट इज एक्टिव 3D। तो एक्टिव 3D फॉर्मेट में ये ब्लूरे, 3DLR एंड 3DUD को सपोर्ट करता है। और क्योंकि ये पोर्टेबल प्रोजेक्टर है तो इसमें स्पीकर तो होना ही चाहिए था, अच्छा खासा है, काम तो चल जाता है। तो अब बात करते हैं ये प्रोजेक्टर का कुछ ड्रॉबैक का। नंबर 1, ब्राइटनेस थोड़ा कम है, जस्ट 3000 लूमेंस। तो आपको डार्क रूम में ही कंटेंट देखना पड़ेगा, तभी आपको मजा मिलेगा, ज्यादा रोशनी हो गया तो टाइम हो जाएगा। तो ब्राइटनेस कम रखने का मेन रीजन है कि इसमें इनबिल्ट बैटरी लगा हुआ है, जो छोटा सा नन्ना मुन्ना है। अगर आप हाई पावर लाइट डाल दोगे तो 5 मिनट में खत्म हो जाएगा बैटरी, फिर आप क्या देखोगे। तो इसीलिए ब्राइटनेस थोड़ा कम है। नंबर 2, मुझे इसका पिक्चर क्वालिटी स्टैंडर्ड मोड में डार्क नजर आता है। मतलब अगर आप हॉलीवुड मूवी देखोगे तो मोस्टली वो डार्क सीन होता है, उसमें ये बहुत अंधेरा नजर आता है। तो आपको मैन्युअली पिक्चर मोड में जाके ब्राइटनेस को बढ़ाना पड़ेगा, तभी आपको हॉलीवुड मूवीज मजा आएगा। नंबर 3, एंड्रॉइड वर्जन 6 के साथ में आता है, जो थोड़ा कमजोर है और लैगिंग का प्रॉब्लम तो होगा। तो रिमोट में ज्यादा उंगली करने पर हैंग हो जाता है, फिर इसे रीस्टार्ट करना पड़ता है। तो इसका बेस्ट सॉल्यूशन है फायर टीवी स्टिक, एकदम मक्खन बना देगा प्रोजेक्टर को। नंबर 4, ये एक अल्ट्रा शॉर्ट थ्रो प्रोजेक्टर नहीं है। फिर आप बोलेगा क्या है रे, फिर ये एक शॉर्ट थ्रो प्रोजेक्टर है, और कहीं टाइटल में आपको मिल जाएगा कि ये अल्ट्रा शॉर्ट थ्रो प्रोजेक्टर है। और जो अल्ट्रा शॉर्ट थ्रो प्रोजेक्टर होते हैं ना, वो जस्ट स्क्रीन से 7 से 8 इंच दूर रहता है और बड़ा से बड़ा इमेज बना लेता है। लेकिन इससे 120 इंच का स्क्रीन बनाने के लिए आपको इसे 3 फीट का दूरी पे रखना होगा। तो अभी आपके दिमाग में कन्फ्यूजन जरूर आया होगा कि मुझे लॉन्ग थ्रो प्रोजेक्टर के साथ में जाना चाहिए कि शॉर्ट थ्रो प्रोजेक्टर के साथ में जाना चाहिए। पूरी वीडियो ये रहा, देख लीजिए, सारे कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। और अगर आपको दूसरा कन्फ्यूजन है कि आपको पोर्टेबल लेना चाहिए कि एक नॉर्मल प्रोजेक्टर लेना चाहिए, तो ये रहा वीडियो, पूरी डाउट सॉल्व कर लो। बाय बाय, टाटा।